सुबह के ना 7 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं स्नान करने। हमने सोचा कि जल्दी जल्दी जाते हैं स्नान करते हैं, और वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और ये रहा अमोर स्नान टाइम। जाते और अपने पाप भी धो के आ जाते हैं जितने भी बुरे काम किए होंगे। और बाकी मैं मिलती हूँ आपको जहाँ पे हमने स्नान करना है। तो चलिए, हम लोगों ने गाड़ी ना पार्क कर दी है। अभी बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि यहाँ पे बहुत रश हो गया, सुबह सुबह तो पार्किंग नहीं मिलती है, तो इससे ज़्यादा जल्दी आ जाओ, 6 बजे आ जाओ। तो चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको फिर से हरिद्वार सुबह को, मतलब दोपहर को उजाले में कैसा दिखता है। अभी ना सुबह के वैसे 7 बज चुके हैं और सुबह सुबह हरिद्वार के नज़ारे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। और बाकी आप रश देखिए, रश वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। और बाकी हम लोग ने सोचा कि सबसे पहले मंदिर जाएंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे, फिर हम स्नान करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। और ये रहा हर की पौड़ी, यहाँ पर ना वैसे सारे मंदिर है और हमने सारे मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। और हम लोग यहाँ पर ना नहा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, तो हमने सोचा कि हम लोग कुछ खाते हैं फिर कहीं दूर जाके नहाएंगे। इसीलिए हम पहुँच चुके हैं मोहन लाल जी पूरी वाले के पास। पर ये जो भैया थे ना बहुत ज़्यादा रूड थे, पर इनकी पूरियाँ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और हम लोगों ने खाने में लिया हुआ है पूरी, चने और सूखे आलू। हम इंजॉय करेंगे और फिर मिलती हूँ मैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोगों ने पूरी और चने खा ली, पूरी चने क्या, पूरी पूरी आलू खा ली है। और जो वो दुकान थी मोहन जी की, बहुत ही रूड आदमी है, बहुत ही ज़्यादा। बस अब खाने को पर टेस्टी था, पर रूड था काफ़ी ज़्यादा बात करने के लिए। और बाकी अब हम आ चुके हैं स्नान करने। सबसे पहले अमोल जाएगा, फिर मैं जाऊँगी। बस गंगा में स्नान करके ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। पानी ठंडा था पर जब एक डुबकी दे दी उसके बाद तो फिर मेरे को ठीक लगा पानी। और अमोल आपको बहुत मज़ा आया, बहुत रिलैक्सिंग था। हाँ, एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग था। मतलब चलो अब चलते हैं, मैंने चेंज नहीं किया, मैं होटल जाके ही चेंज करूँगी। और बाकी मैं मिलती हूँ आपको ऑन द वे जब हम लोग ऋषिकेश को निकलेंगे। हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश को और हम लोगों का स्टे ना हरिद्वार में बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, गंगा के घाट पर गए, वहाँ पे स्नान किया। स्नान करने से बॉडी में बहुत ज़्यादा अच्छा और रिलैक्स फील होता है। और बाकी जो मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि घाट के आसपास ना लोगों ने कूड़ा फेंका होता है, इधर उधर फेंक देते, जो बहुत ही गलत बात है। और बाकी देखो, सफाई तो अपने हाथ में ही होती है, अगर सभी साफ करने लग जाए तो इतनी गंदगी नहीं होगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है हरिद्वार भी। और अब हम पहुँच, मतलब 18 किलोमीटर रहता है ऋषिकेश हरिद्वार से, हाँ है ना, 18 ही है, हाँ 18 रहा है हमारे होटल से। बस हम निकल चुके हैं और मैं आपको ऋषिकेश में मिलती हूँ और रास्ते का व्यू दिखाती हूँ। मुझे ना जब मैं हरिद्वार से हम लोग आने लगे, मतलब हरिद्वार जब हम पहुंचने लगे तो ऊपर आते आते मतलब ये आपके पेड़ पौधे छोटे छोटे पहाड़ दिखने शुरू हो गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ग्रीनरी देखकर स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ऋषिकेश में तो बहुत अच्छी ग्रीनरी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मोल आपको फील अच्छा हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे गर्मी नहीं है, अच्छा है, प्लेजेंट है। और अब बारिश हुई है रात की तो और ज़्यादा अच्छा है। हम लोग ना मोतीचूर से थोड़ा सा पीछे है और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ के लिए और क्यों है इतना ट्रैफिक, इस साइड से है और उस साइड से नहीं है। तो हम लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है ट्रैफिक में फंसे हुए, जबकि हम लोग पहुंच जाने थे इस समय ऋषिकेश में। मतलब क्या कर सकते हैं, इंतज़ार। फाइनली ना ट्रैफिक खुल चुका है और हम लोग ना सबसे पहले जाने वाले हैं अपने होटल। जो ट्रैफिक लगा था वो इसी लगा था क्योंकि फाटक है वहाँ पे इसीलिए। और सुबह, मतलब सुबह के टाइम ना ऋषिकेश जाने के लिए बहुत सारे लोग निकले हुए हैं क्योंकि वीकेंड है इसीलिए। बाकी ये है रास्ता ऋषिकेश का। कितना बचता है, 7 किलोमीटर बचता है अभी यहाँ से हमारा होटल। तो हम सबसे पहले होटल जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर हम जाएंगे घूमी घूमी करने ऋषिकेश।
हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश में और पहाड़ दिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रैफिक से निकलने के बाद, थोड़ा दूर चलने के बाद पहाड़ दिख गए, खुशी हो गई। सो एक्साइटेड। हम लोग ना सबसे पहले होटल जाएंगे, होटल में फ्रेश होंगे, उसके बाद निकलेंगे हम ऋषिकेश घूमने। और ऋषिकेश का वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्लेजेंट है। रात को बारिश हुई इस वजह से गर्मी भी नहीं है। यहीं से राम झूला भी, यहीं से लक्ष्मण झूला भी। अच्छा, हमने राइट जाना है, एक मिनट। हाँ हाँ अमोल, हमने राइट जाना है। हम लोग ना ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और इस समय बजे है 11:30। और अभी हम लोगों को रूम नहीं मिलेगा क्योंकि 12 बजे से पहले रूम नहीं मिलता। और अभी हमारे रूम की बोलते सफाई हो रही है, तो भैया ने बोला कि हमारे होटल में एक बहुत ज़्यादा सुंदर बालकनी है, आप वहाँ जाके बैठिए, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। मैं ऊपर आई और बहुत ही सुंदर बालकनी है, और पीछे देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर पेंटिंग कर रखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और मौसम ना ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही प्लेजेंट है। तो बस जैसे ही रूम मिलेगा मैं आपको रूम दिखाऊंगी और हम एक ही बार निकलेंगे घूमने ऋषिकेश। तो जैसे ही रूम मिलेगा तो मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हम लोगों को फाइनली मिल चुका है, तो मैं आपको रूम दिखाती हूँ। आइए अंदर आइए। ये साथ में है सबसे पहले वॉशरूम। वॉशरूम नॉर्मल होते हैं। और ये हम लोगों का रूम, और रूम में ना बालकनी भी है, तो मैं आपको बालकनी भी दिखाती हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे ऋषिकेश घूमने। चलिए फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ना चल पड़िए घूमी घूमी करने, पर ऋषिकेश में हो रही है बारिश, तो बारिश की वजह से हम लेंगे छाता। हम लोग जाएंगे पैदल, हमने सोचा कि गाड़ी में नहीं जाएंगे, जितना हो सके पैदल चलेंगे, ऑटो में चलेंगे। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्कूटी ले सकते हो। और बाकी मैं अब आपको मिलूंगी लक्ष्मण झूले के पास। ऐसी ऐसी गलियां हैं ऋषिकेश की। ओ बारिश, इतना सारा चलने के बाद ना लक्ष्मण अब तो सांस भी नहीं निकल रही। लक्ष्मण झूला बंद है, उसका काम चला हुआ है, इसीलिए अब मेरी सांस फूल रही है। अब सोच रहे देखते कहाँ जाना है, कहाँ जाना है देखते हैं, अब कहाँ जाना है, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इस वजह से थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो रखा हुआ है। चलो देखती हूँ कहाँ जाऊँगी और फिर बताती हूँ आपको। और ये रही लक्ष्मण झूले के पास जो मार्केट है, काफ़ी बड़ी है। अब हम लोग जा रहे हैं राम झूला देखने, और बारिश हो रही है ना तो मज़ा नहीं आ रहा है। मैं बोल रही थी अमोल को रूम चलते और वहाँ पर बैठ जाते और रिलैक्स होके सोते और नीनी करते, क्योंकि इतनी ठंड में नीनी करने में मज़ा आएगा, क्योंकि जलंधर गर्मी है तो वहाँ नीनी करने में मज़ा नहीं आता है। पर अमोल बोलता है कि घूम लेते हैं थोड़ा। यस, घूमने आई डिंपल की, सोने आई है। अभी तो मैं चाहूँ तो सोना चाहती हूँ, पर चलो कहीं नहीं, मैं आपको राम झूले में मिलती हूँ। लक्ष्मण झूला ना बंद था, तो इसीलिए ना अब हम लोग आ चुके हैं राम झूला देखने। और राम झूले में भी बहुत ज़्यादा रश है, बट आप जैसे देख भी रहे हो व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। पहाड़ है, पहाड़ पे धुंध आपको दिख रही होगी, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और साथ में बह रही है गंगा मैया, और साथ में हो रही है बारिश, और साथ में वेदर तो कहर ढा रहा है, बहुत अच्छा हो रखा है वेदर। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ऋषिकेश आकर। कभी फिर प्लान बनेगा तो मैं फिर आऊँगी ऋषिकेश घूमने। हम लोग ना राम झूले के पास आ चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये रहे यहाँ के घाट, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हो, यहाँ पर बह रही है गंगा मैया। राम झूला ना, हाँ राम झूला, यार मैं भूल जाती हूँ राम लक्ष्मण कौन सा है, ये राम झूला है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। राम झूले के आसपास जितने भी मंदिर थे हमने दर्शन कर लिए हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं चोटी वाला के पास। और ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है, 65 ईयर ओल्ड। और हमने सोचा कि हम यहाँ पे कुछ खाएंगे और मैं थोड़ी फ़ोटो खींचूंगी। और हमने लिया स्टफ़ परांठा, उसका कारण था क्योंकि हम लोग लंच ऑलरेडी कर चुके हैं और इस समय बजे है 4:30, इसीलिए हमने परांठा लिया। चोटी वाले के स्टफ़ परांठे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो उनकी थाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तो आप ट्राई कर सकते हो।
अब हम लोग जाने वाले हैं त्रिवेणी घाट, और बहुत ही ज़्यादा शोर है यहाँ पर, तो अभी हम ऑटो लेंगे और फिर त्रिवेणी घाट जाएंगे। अब ना हम लोग निकल चुके हैं त्रिवेणी घाट को, और जो ये ऑटो मिला ना राम झूले के पास ही हमको मिला, और जो ये प्राइस रहेगा इसका 20 रुपीज़ पर पर्सन रहेगा, क्योंकि हमने शेयरिंग में लिया है इसीलिए। नहीं लेना बेटा। हम लोग ना पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट, और ऋषिकेश में भी आई थिंक G20 हुआ था, इसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा सफाई है ऋषिकेश में। और यहाँ पे आप जैसे सामने देख रहे हो, यहाँ पे होती है गंगा आरती भी, और साथ में है बहुत बड़ी मूर्ति शिव भगवान जी की और पार्वती माता की, और रात के समय जब यहाँ पे फाउंटेन चलेगा ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये मूर्ति। और बाकी धीरे धीरे ना रश भी बढ़ता जा रहा है आरती देखने के लिए। बाकी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। हम लोग त्रिवेणी घाट पे पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पूरा त्रिवेणी घाट दिखा दिया। हमने सोचा था कि हम आरती देखेंगे, पर यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और आरती होगी कितने बजे बोला, 7:15 पर, हम 7:15 पर, जबकि नेट पे दिया था कि 6 बजे शुरू हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी आ गए। बट हम सोच रहे हैं कि बारिश की वजह से कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो हम चल पड़ते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम आरती देखेंगे। बाकी मैंने आपको घाट तो दिखा दिया है, और यहाँ अमर हम लोग सारे ना छाते में बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत ही बारिश हो रही है। बीच में बहुत अच्छा, मतलब ठीक हो रहा है, बीच में बारिश हो रही है। और पर एक चीज़ है भाई, मौसम कहर ढा रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वेदर देखकर। तो चलिए मैं बाकी अब आपको रूम पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताना था कि अगर आप ऋषिकेश आते हो तो अपनी गाड़ी में आते हो, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ना ऑटो में ही घूमा करो, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। सेकेंड है कि जब आप ऑटो लो तो शेयरिंग ऑटो लेना, क्योंकि अगर आप शेयरिंग ऑटो नहीं लेते हो तो आप पर्सनल लोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे इसीलिए। क्योंकि हम लोगों ने भी ऐसे ही किया कि हमने शेयरिंग में लिए, क्योंकि हम पर्सनली देख रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा महंगे थे। और यहाँ पे बहुत सारे कैफ़े हैं, यहाँ पे आप मतलब कैफ़े में बैठ के भी चिल कर सकते हो, वो चाहो तो वो भी कर लो। सेकेंड है कि यहाँ पे ना वो भी बंजी जंपिंग, हाँ, और क्या होती है रिवर राफ्टिंग, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ ना मौसम ख़राब है, तो इस वजह से ना अच्छे से रिवर राफ्टिंग हो रही है, ना बंजी जंपिंग हो रही है, इसीलिए हमने कुछ भी नहीं किया। कल हमें वैसे भी वापस जाना है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो चलिए मैं आपको रूम में मिलती हूँ। बाकी रूम जाने से पहले मैंने सोचा ना, थोड़ा सा त्रिवेणी घाट के पास बहुत बड़ी मार्केट है, मैं आपको दिखा दूँ, और मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग मैं भी कर लूँ। बहुत ही सुंदर मार्केट है यहाँ पे ना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपको चाहिए पूजा से रिलेटेड। तो यहाँ ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और कृष्ण भगवान जी के कपड़े बहुत क्यूट है यहाँ पर। मैं त्रिवेणी घाट से सीधे हम लोग फिर रूम आ गए, क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही है, और अभी भी बारिश हो रही है। और बस मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और मैंने अभी ऑर्डर किया अपने लिए फ्राइज। बस फ्राइज खाएंगे, डिनर करेंगे और सो जाएंगे। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बमोल, गुड नाइट। Good night.